नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ बात करेंगे। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान के बाद अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राजधानी रांची में बन रहे कैंसर अस्पताल पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि 1 रुपए में कैसे टाटा को जमीन पूर्व सरकार ने दे दी। हालांकि कैंसर अस्पताल लगभग बनकर तैयार है और जनवरी माह में उद्घाटन हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि जो टाटा को भगवान मानते हैं वह अपने निहित स्वार्थ में कैंसर जैसे अस्पताल पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल सिर्फ राजधानी रांची के कैंसर अस्पताल पर क्यों, टाटा में भी तो टाटा कंपनी ने सैकड़ों एकड़ जमीन लीज पर ली है और इस पर सवाल क्यों नहीं। यानी सीधे शब्दों में विधायक सरयू राय ने यह कह डाला कि निजी स्वार्थ में मंत्री बयान दे रहे हैं और ऐसे में सरकार क्या चाहती है इसको स्पष्ट करना होगा कि झारखंड में लोग निवेश करें या नहीं। टाटा समूह को झारखंड की सरकार ने जमीन दिया है, उसमें कुछ हिस्से में बनाया है कुछ में नहीं बनाया है, तो जानना तो ये होगा ना कि उनकी योजना क्या है, उतनी जमीन की प्लानिंग क्या है। तो केवल ये सवाल रांची में कैंसर अस्पताल के दी हुई जमीन पर ही क्यों उठता है? जमशेदपुर में भी तो टाटा स्टील को जो जमीन लीज पर सरकार ने दिया था उसमें 1700 एकड़ पर इंक्रोचमेंट हो गया, अभी बहुत सारी जमीन है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ के। मनोज, देखिए जिस तरह से कैंसर अस्पताल को लेकर बयानबाजी अब शुरू हो गया, हालांकि अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन उद्घाटन से पहले ही सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। देखिए करिश्मा, जो राजधानी रांची में जो कैंसर अस्पताल टाटा कंपनी के साथ बनाया जा रहा है, टाटा कंपनी को जो जमीन मिली थी उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि आखिर 1 रुपए में जमीन कैसे मिला, पूर्व की सरकार ने 1 रुपए में जमीन कैसे दे दी। हालांकि इसको लेकर अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। विधायक सरजू राय ने साफ तौर पर कहा है कि यह मामला सिर्फ एक राजधानी रांची का नहीं है। आखिर राजधानी रांची पे ही सवाल क्यों खड़ा हुआ, जबकि टाटा शहर में सैकड़ों एकड़ जमीन 1 रुपए में टाटा कंपनी को राज्य सरकार। निजी स्वार्थ है और निजी स्वार्थ के लिए राज्य हित का काम पर बाधा नहीं करना चाहिए। हालांकि इन्होंने यह भी कह दिया कि सरकार को अब यह स्पष्ट करना होगा कि वाकई राज्य में कोई निवेशक आए या नहीं आए, क्योंकि जब यहां पर बड़ी कंपनियां आएंगी तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी खत्म होगा, राज्य का विकास होगा। तो जो मंत्री है, मंत्री को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि आखिर आप जो बोल रहे हैं उसका असर कहाँ पड़ेगा। हालांकि टाटा में एक बड़ी अस्पताल थी जब कोरोना काल शुरू हुआ, कांतिलाल गांधी अस्पताल जो मेडिका के नाम से चल रहा था, उस अस्पताल को बंद कर दिया गया जैसे ही सरकार बनी। तो इन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि आखिर वो अस्पताल क्यों बंद हुआ, इतनी बड़ी अस्पताल थी, कोलकाता की कंपनी चला रही थी मेडिका अस्पताल। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री के बयान से विधायक सरजू राय काफी नाराज हैं और उनका कहना है कि राज्य हित की बात नहीं, जनता हित की बात नहीं, ये अपना निहित स्वार्थ में स्वास्थ्य मंत्री बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये भाई भी बात विधायक सरयू राय ने सवाल उठाया कि हालांकि जो ऐसे में सरकार क्या चाहती है इसको स्पष्ट करना होगा कि झारखंड में लोग निवेश करें या नहीं। तो कहने इस बयानबाजी को क्या समझा जाए? देखिए निश्चित तौर पर ये सरजू राय पहले भी लगातार जब राज्य सरकार या तो जिस सरकार में मंत्री रहे हैं रघुवर सरकार में उसमें भी ये विरोध करते थे और अभी विधायक है तो अभी भी अगर इनको लगता है कि हेमंत सरकार कहीं गलत कर रही है तो ये विरोध करते हैं और इनका ये पुराना अंदाज रहा है कि राज्य हित में बात होनी चाहिए, जनता हित में बात होनी चाहिए। तो इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री वो कहीं ना कहीं अपने हित की बात करते हैं क्योंकि वो टाटा में रहते हैं और टाटा की जमीन की बात जब वो नहीं करते हैं और राजधानी रांची की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है और उनका हित का मामला है। जी
चलिए बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।